बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यूनिवर्सल सॉकेट, सिंगल यूनिवर्सल सॉकेट। इसे आमतौर पर लाइट प्लग भी कहा जाता है और चाइना फिटिंग का लाइट प्लग भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम इसको इसकी वायरिंग का आपको बताएँगे कि इसकी वायरिंग किस तरह की जाती है, ठीक है। ये इसका स्विच है, ठीक है। ये मल्टी सॉकेटें बनी हुई हैं मुख्तलिफ किस्म के शू वगैरह के लिए, ठीक है। तो इसमें आ सकते हैं, ये इसकी बैक साइड पे आप देख लें, ये एक स्विच बना हुआ है बटन, ठीक है। इसके थ्रू ये इसके पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है। इसमें एक पे मेंशन भी किया हुआ है लाइव, और इसमें एल लिखा और इसमें न्यूट्रल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम न्यूट्रल दे देंगे और यहाँ पे लाइव, ठीक है। इस स्विच के थ्रू हम इसको कंट्रोल करेंगे इन सॉकेटों को, ठीक है। और यहाँ पर हम अगर हमारी अर्थिंग हुई हुई है तो यहाँ पर हम अर्थ वायर दे देंगे। और उसके अलावा आप कहेंगे कि यहाँ पे सिर्फ दो है, ठीक है, लेकिन इसकी ये जो सी अंदर से ना इसकी पत्रियों की मदद से इसके कनेक्शन हुए हुए हैं सारों के, ठीक है। तो चलते हैं अपनी वायरिंग की तरफ। जब सबसे पहले आपने क्या करना, ठीक है, जो से आपकी वायर आ रही होगी न्यूट्रल ब्लैक कलर की, ठीक है, इस पर टेस्टर आमतौर पर नहीं जलता, आपने वो न्यूट्रल वायर जो सी है ना इसके एन वाले पॉइंट पर लगा देनी है, यहाँ पे ये न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक हो गया, ठीक है। ये न्यूट्रल मेरी लग गई है। अब फेज की वायरिंग मैं करूँगा, ठीक है, इस स्विच के थ्रू। फेज के लिए आपने क्या करना है, एक छोटी सी लूप ले लेनी है, ठीक है। इस स्विच से आपने यहाँ पे एक लूप लगा देना है, ठीक है, ठीक है। ये स्विच से मैंने ये साकट पे एक लूप डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं मेन तार लूँगा, मेन फेज। अच्छा, ये मेरा फेज आ गया, ठीक है। तो इस स्विच से मेरी ये सॉकेटें कंट्रोल होंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने न्यूट्रल दे दी है, ठीक है, ये मेरी न्यूट्रल है और ये मेरा फेज़ आया। तो जैसे ही मैं इसको स्विच को ऑन करूँगा तो करंट यहाँ से इधर आ जाएगा, तो ये अपना सर्किट मुकम्मल कर लेगा, ठीक है। ये देखें, अब इसको मैं टेस्ट करके चेक कराता हूँ आपको। अच्छा, इसकी बोर्ड में फिटिंग किस तरह करनी है, स्क्रू कहाँ पे, इसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है, ठीक है। आपने ये कवर खोल लेना, ये देखें, ये सुराख बने हुए हैं, यहाँ से आप आपने पेच लगा देने इसको ना, स्क्रू को पेच लगा के आपने टाइट कर देना। पेच लगाने के बाद आपने ये ऊपर वाला कवर इसके ऊपर रख देना है, ठीक है। तो चलते हैं हम इसको टेस्ट करने के लिए। तो ये सप्लाई मैंने लगा दी है और ये मेरे पास एक टेस्ट लैम्प है, तो इसको अब मैं चेक करूँगा, ठीक है। ये मेरा लैंप ऑन हो गया, ठीक है, और ये लैंप मेरा ऑफ हो गया, ठीक है। इस तरह से हम अपने लाइट प्लग के कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको किसी चीज़ की समझ में लगी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।